रूही। गुड मॉर्निंग। वो बाथरूम में पापा नहाए। हट जाओ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तुम्हारी माँ दिन दिया जा रहा है और अपने लिए पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रही है जाने की, और हमारी बन रही है चाय। आलू भी बाल दिए हैं मदर इंडिया इतनी जल्दबाजी में, और ये पैक भी हो चुकी है, और हम पियेंगे चाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सब जग चुके हैं 8:30 बजे, आवाज़ भी भारी भारी होगी। तो 8:30 बजे मैं चुकी हूँ, पूजा और बच्चे सो रहे हैं, और मम्मी अपनी कर रही हैं जाने की तैयारी। तो उन्होंने अपनी पूड़ियाँ पैक कर दी हैं, चाय सॉरी आलू बॉईल कर दिए हैं, अब भाभी बनाएंगी सब्जी। मम्मी का यही रहता है, हम सो रहे थे, उन्होंने पूड़ियाँ भी अपनी बना के और पैक कर लिए, और अब भाभी बना रही हैं चाय, और बस चाय पियेंगे और मैं आगे थोड़ा बाहर घूमने। अच्छा मौसम हो रहा है, हम भी जाने की तैयारी करेंगे थोड़ी देर बाद, नहा के हम भी निकलेंगे। तो हमारी भी तैयारी चली गई, जब तक अपने कपड़े वगैरह बच्चों के रख लेते हैं। ले ले और बात। मम्मी का ले आशीर्वाद। ले ले तीक्षु, ले 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 ये ले ले। नानी से जल्दी जल्दी पैसे दो। ट्रेन निकल रही है। ले ले स्टीप वर तू। चलो मदर इंडिया जा रही है। और तो ना कोई रहेगा। बाय मम्मी। दिखा नहीं है। मम्मी जा चुकी हैं और अब हम करते हैं अपनी तैयारी, बच्चों के कपड़े स्लीपर वगैरह। चीकू आपकी स्लीपर कहाँ है इधर से? और ये हमारा हो रहा है नाश्ता, भाभी ने बनाए हैं नमकीन सेवई, पूजा, बच्चे और तिक्सु ने क्या काम किया है। जल्दी ट्रेन सुबह की पहले पूजा, नमक भी था ना यहाँ इसके पास। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने करा है, लेकिन ये मैंने नहीं करा। क्यों करोगे तू? क्योंकि मैं पानी दे रहा था ना। हाँ भाभी ने सामान रख दिया है। तो ये गिफ्ट टेम्पर है चीकू चुन्नू एंड तिक्षु, और ये कुछ हमारा है, और ये वाला मामी जी लेके आई थी चीकू चुन्नू और तिक्षु के लिए, और ये भाभी ने कुछ खाने का सामान रख दिया है जो हम गाड़ी में खा लेंगे। और हमारे बैग देखना कितने निकलेंगे। एक जो वीडियो बन रही है ना कि 2 बैग लाती हैं ननद और 10 लेके जाती हैं, वो सही है। हम लोग 2 बैग लेके आए थे और हमारे 10 से ज़्यादा बैग हो गए, मतलब 15 के समथिंग हो गए। ये देखो 10-15 पे अभी तो एडजस्ट ही हो रहा है बालकनी में। रूही तिक्षु को कंफर्टेबल पहनाया है। और यहाँ पे हम आ रहे थे तो सब इमोशनल हो गए, रूही और भाभी
बहुत ज़्यादा। तो और हमारा हम सब भी बहुत ही एक प्यारा सा वीडियो था, वो पता नहीं कैसे यहाँ से डिलीट हो गया। मैंने बहुत देखा मोबाइल में, डिलीट में भी देखा वो, बट कहीं नहीं मिला मुझे। ऐसा मेरे साथ एक बार और हुआ था, जब मैं घर से घर गई थी गर्मियों में, तब मैंने ब्लॉग बनाया था और वो सारी वीडियो डिलीट हो गई थी। मुझे इतना बुरा लगा कि बनाते हैं और फिर डिलीट हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। और आगे आप देखिए, फिर हम लोग धौलपुर आ गए। अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है। पापा पास है ना? किसके पास? कहाँ देखी पापा? पापा के पास। पापा वो तो गया, रह गया किट्टू भैया तो। अब हमें लगेंगे कम से कम 2 घंटे आगरा पहुंचने में। हाईवे पे आ गए। अभी नहीं बेटा, अभी तुरंत ही निकले और फिर पूजा को वहां से दवाई कराऊंगा ना। इधर देखो दीक्षु, आप क्या खाओगे? बर्गर खाओगे? आपको भी बर्गर चाहिए चुन्नू? अरे नहीं नहीं वहां मत जाओ, इधर ही रहो। हेलो मैं इसी फूड जोन पे आ गए हैं और अब कुछ खाते हैं, तो बच्चों का मन है बर्गर खाने का, तो देखते हैं कि भैया क्या लेके आ रहे हैं और क्या कुछ खाते हैं आराम से। हाँ नहीं 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 और कुछ खाते हैं, यहाँ पे आराम से बैठते हैं थोड़ा सा, क्योंकि धूप नहीं है, अच्छा मौसम हो रहा है। बच्चे इधर ही रहना बेटा, दीक्षु हमारी घूम रही है, दीक्षु को बहुत अच्छा लग रहा है। और पूजा भी निकल आई है गाड़ी से, पहले तो नहीं निकल रही थी, आ रही है। नहीं, बस। अच्छा देखो दीक्षु को, देखो देखो इधर ही रहना। पूजा गई दवाई लेने और हम यहाँ बैठे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, कब वो जल्दी से आए और निकले घर के लिए। गाड़ी हमारी पूरी फुल हो रही है और इतना सामान है गाड़ी में। अब पूजा गई दवाई लेने, अब वो आ जाएगी तो जल्दी से जाए घर, उसका वेट कर रहे हैं। और गर्मी भी लग रही है और दीक्षु भी परेशान हो रही है जाने के लिए, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अरे यार गर्मी हो रही है, बस पूजा जल्दी से आ जाए तो निकलें घर। मम्मा की पिटाई करते हो आप? ओ देख, अच्छा ले ले ले, मैं कौन फाड़ हो जाता है। मम्मा की पिटाई करती है दीक्षु, गंदी बच्ची है ना दीक्षु, तो बहुत गंदी। मैं कौन कर लूं जब तक? देखो एसी चला दो, मैं मुझे जाना है, मुझे जाना है, अभी बनना है मम्मा। बहुत पुराना है बेटा ये। यहाँ तो भूखी आ गई है भल्ला। दीक्षु चलो मैं खिलाऊंगी आपको, ठीक है? हमारा भल्ला आ गया है, चलो खाते हैं। जो रह गया था वो भैया भाभी ने अब दिया है। ये है चॉकलेट दुबई की, तो मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट। और भैया गए थे दुबई, वो लेके आए, और हम गए थे ना अभी नोएडा तो भैया के पास, तो भैया भाभी ये देना भूल गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले यही देने की बोल रहे थे और यही वो भूल गए, फिर उन्होंने ये कुरियर करवाई। और यहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए देख के, ऐसा कुछ आता है ना कुरियर वगैरह तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके लिए क्या। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बच्चों के खाने की चीज़ें आई हैं कुरियर से, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और मैंने और भी बच्चों को दे दी, हमारे पास में थे उनको, और देवर के लिए
लिए रख दी हैं, सोनू भैया को, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सचिन भैया को भी, तो मैंने दोनों के लिए रख दी हैं। और बस यही था, और काफ़ी सारी चॉकलेट थी, अभी भी रखी हुई हैं, बच्चे खाते हैं डेली। मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ब्लॉग का डीएन करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नहीं है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।